तो गाइस अपना मोबाइल हो चुका है ख़राब, तो इसको लेकर चलते हैं अपन केयर पे और देखते हैं क्या मिस्टेक है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग एंड ऐप से बढ़े गए। तो गाइस आज का सीन ये है कि भाई नहा धो के मस्त हो चुके हैं, खाना भी चलते हैं, तो खाना वाना खाते हैं और उसके बाद अपन को चलना है कहीं ऐसे शोरूम पे भाई जहाँ पे ना यार काफ़ी मोटा खर्चा आने वाला है, क्योंकि ना भाई जो मेरा सेकेंड जो फ़ोन था उसको पता नहीं कल क्या हुआ गाइस, वो पड़ा पड़ा मतलब वो फूल गया वो पूरा, उसकी बैटरी को पता नहीं क्या हुआ, पूरी बैटरी फूल चुकी है उसकी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है, फिर आप लोग बताना क्या हुआ इसके साथ क्या नहीं हुआ, है ना। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, तो अपन सीधा भी चलते हैं केयर पे और वहाँ जाके पता करते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। शायद उसके बैटरी वगैरह नए डलने वाली है, काफ़ी पुराना मोबाइल है, रेडमी का मोबाइल है, रेडमी नोट 8 है गाइस, तो आप समझ सकते हो कितना पुराना मोबाइल है। तो अभी चलते हैं सीधा, है ना, पहले खाना वाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं सीधा केयर पे और वहाँ चल के बताता हूँ मैं आपको क्या सीन है क्या नहीं है। चले गाइस, तो गाइस ये अपना वो मोबाइल सेकेंडरी मोबाइल रेडमी का है ना, इसकी कंडीशन देखो आप और इसकी बताऊँ क्या हुआ कल, ये सीन हुआ इसके साथ कि ये अभी तो बिल्कुल नया ही है होने में, तो बट इसके साथ ये सीन हो गया देखो, ये वाला पूरा फूल गया है, दिख रहा है आपको, ए भाई पूरा फूल चुका है ये, देखना अभी ये देखो हिल रहा है ना, इतना ज़्यादा फूल चुका है ना, बेंड आ गया इसके अंदर देखो आप। तो अभी चलते हैं सीधा और ये ऑन भी नहीं हो रहा, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि ऑन भी नहीं हो रहा अभी, तो ये इसकी बैटरी फटे करे उससे पहले अपन चलते हैं इसको हॉस्पिटल लेके, मतलब इसके केयर पे लेके उसको दिखाते हैं फिर डॉक्टर को, इसके मैकेनिक को। चलो भाई पैक करते हैं वापस से गाइस और फिर चलते हैं सीधा केयर पे। चलो भाई, तो गाइस इसको भी फाइनली अपने डिब्बे में पैक कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कितना पुराना मोबाइल है। तो देखो ये अक्टूबर 2019 का मॉडल है, तो आप सोच सकते हो कितना टाइम पुराना हो गया, जब मैंने लिया था 15,999 रुपये का अभी तो, लेकिन काफ़ी मस्त मोबाइल था भाई, इसका प्रोसेसर काफ़ी सही था। अभी चलते हैं इसको लेके। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं अभी केयर के बाहर और सामने देखो आपको दिख रहा होगा व्यू, तो यहाँ पे केयर, तो अभी चलते हैं अंदर और देख के आते हैं मोबाइल वगैरह और देख के आते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं अपना केयर के बाहर और ना आपको पीछे दिख रहा होगा, तो पीछे है अपना केयर, तो अभी चल के आते हैं सीधा और देखते हैं क्या व्यू है क्या नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही, तो चलते हैं गाइस गाड़ी बंद करते हैं। तो गाइस यहाँ पर बैटरी अवेलेबल नहीं है, तो पता चले दूसरे केयर पर। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं अभी केयर के बाहर, तो आपको दिख रहा होगा सामने MI का केयर है वो रहा वहाँ पे, अभी चलते हैं दिखाते हैं वाले क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, चलते हैं भाई। तो गाइस सेकंड वाला केयर है, उस वाले पे केयर पे ना उनके पास बैटरी अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने कहा था आप उस वाले शोरूम पे चल जाओ वहाँ पे अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पे आए अभी। तो बस फाइनली मोबाइल अभी उन्होंने हाथ वाथ करके दे दिया अपन को, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने 15-20 मिनट का नाम लिया था कि 15-20 मिनट में आपको मोबाइल मिल जाएगा, तो उन्होंने सबसे अच्छी बात यह गाइस उन्होंने मोबाइल दे भी दिया है और अभी अपन बाहर आ गए थे, तो अभी चलते हैं सीधा और देखते हैं मोबाइल वगैरह लेते हैं हैंड ओवर लेते हैं अपना और फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या कंडीशन है क्या नहीं। चलो भाई, तो गाइस सर फाइनली अपने हो चुका है कम्प्लीट मोबाइल, अपना शाइन वगैरह और 1500 ग्राम में कुछ खर्चा आया है इसके अंदर। तो गाइस फाइनली अपने मोबाइल लेके आ चुके हैं कायर का कंप्लीट और अभी दिखाता हूँ मैं आपको कंप्लीट क्या सीन है भाई, देखो स्विच ऑफ तो नहीं होना ही, देखो गाइस चालू हो गया मोबाइल एकदम, है ना, बैटरी वगैरह सब कंप्लीट हो गई इसकी, बड़ा चालू भी हो चुका है ये। अभी चलते हैं सामने, बारी में धूप पड़ रही है भाई, लेकिन चलते हैं सीधा, अभी कुछ खाते हैं पीते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत और काम है, तो वहाँ चलते हैं पहले। तो गैस मेरे में आया हुआ था शोरूम पे, क्योंकि मेरी गाड़ी में थोड़ी मिस्टेक आ रही थी, है ना, तो अभी सही करा ली है, थोड़ी सी की मिस्टेक थी, है ना, एक बोल्ट खुल गया था उसका, उसको लगवाने लाए थे, अभी लग चुका है, मैं दिखा देता हूँ अगर आपको गाड़ी खड़ी हुई जो गाड़ी खड़ी 90-12। ठीक है गाइस, तभी चलते हैं उठाते हैं गाड़ी को घर पर। तो गाइस अभी अपन आए हुए हैं पानी पत्ता से खाने के लिए, मैं आपसे बोल रहा था कि भूख लग रही है भाई, तभी बनवाते हैं एक प्लेट। तो गाइस जिस को पानी पत्ता से खाने हो आ सकते हो, आप प्लेट खा सकते हो और अभी चलते हैं घर।
तो गैस मुझे और ज़्यादा तो पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, बट हमारे यहाँ का मौसम अभी भी ना वो का भाई गंदा मौसम हो रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत तगड़ी उमस पड़ रही है। और ना गर्मी से देखो भाई पिंपल हो गया यार, शिट। कुछ ना देखो दिन में ठीक हो जाएगा ये, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। ओ हो भाई गर्मी ना कुछ ज़्यादा है। तो आपको मैं हमारे यहाँ का ना मौसम हो रहा है बिल्कुल साफ मौसम है, कोई बारिश वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे ऐसा। तो भाई बारिश वगैरह आए लेकिन कभी भी आ सकती है इसका कोई पता भी नहीं है, है ना, सबसे मेन बात तो ये है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार कल दाढ़ी वगैरह सेट करा के आएँगे, क्योंकि देखो नीचे ये देखो भाई, तो देखते हैं कल यार, कल का कल देखा जाएगा क्या होता है रात में क्या नहीं होता है ना। और तो क्या है, कुछ भी नहीं है, और तो बस यही है कि मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, बड़े छत पे बैठे हुए हैं पहले वहले की तरह, है ना, काम धंधे अपने पास है नहीं, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, और क्या है ज़िंदगी वैली चल रही है बड़े अच्छे वाली। मैं आपको ना भी यहाँ का वेदर दिखाता हूँ। और ना सबसे मेन बात ना क्या है कि भाई हमारे सारे इतने सारे पौधे लगा रखे थे, सारे पौधे ना सूख चुके हैं बिल्कुल, अब सारे जब बारिश आ जाएगी ना उसके बाद सारे स्टार्टिंग करेंगे नए तरीके से, नए पौधे लेके आएंगे, नए गमलों के लेके आएंगे, उसके बाद पौधे लगाएंगे मस्त वाले। इस बार थोड़ा अलग से पौधे लगाएंगे, मतलब जो आसानी से मिलते नहीं ना वो वाले पौधे लगाएंगे, बड़े वाले फूल वगैरह के, ताकि मस्त खुशबू आती रहे एकदम बारिश का टाइम पर। चलो मैं आपको पौधे दिखाता हूँ, पौधे हालत क्या है भी, है ना। चलो भाई गाइस, तो देखो राजस्थान में तो इतनी गर्मी हो रही ना कि सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं हमारे, सारे पौधे सूख गए, देखो पूरे पौधे सूख चुके हैं भाई। ये देखो इसका क्या हाल हो गया यार, इतना मस्त पौधा था ये, इसके हालत देखो क्या हालत हो गई। ये देखो ये केले का पौधा था, इसकी हालत ये है। ये देखो फिर आप एलोवेरा की हालत ही, ये देखो नाजुक हालत है भाई इसकी भी, सारे पौधे सूख चुके हैं। गुलाब की जड़ लगाई थी, ये देखो पता नहीं काहे की बेल थी, इसका भी हाल हो गया। तो सारों की हालत देखो कैसे हो गई, अभी सब सूख चुके हैं, सोच लो आप कितनी गर्मी पड़ रही है अभी भी भाई, बारिश आ जाए बस अब तो एक बार। सबसे दुख की बात तो ये कि यहाँ पे एयरटेल फाइव भी लगा हुआ है फिर भी स्पीड मरी मरी आती है, इससे बुरी हालत क्यों रहेगी बताओ, इससे अच्छी किस्मत मेरी हुआ हो। और गाइस आप मौसम देख सकते हो कितना साफ मौसम हो रहा है ना, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है बारिश की, कितना क्लियर मौसम है भाई। देखो यहाँ कबूतर बैठे रहते हैं फिर नीचे पीट पीट कर देते हैं सब जगह, इनका ये काम है भाई। तो गाइस आज खाने में बनी है मस्त राजस्थान की फेमस दाल बाटी, तो काफ़ी मस्त भूख लग रही है भाई, क्योंकि ऐसी तो बाटी है और उसके साथ है दाल। तो गाइस मैं आपको दाल का व्यू दिखाता हूँ, देखो भाई क्या मस्त, मुँह में पानी आ रहा है, फटाफट से खा लेते हैं गाइस खाना। तो गाइस अभी ब्लॉग को करते हैं अपने खत्म में, एंड आए होगा आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक मार देना, अकाउंट पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। गाइस एक बार बता दूं मैं आपके, मैं आज मतलब कल जाने वाला हूं अपने गांव, तो आपको अगला ब्लॉग वहां का देखने को मिलेगा, उसको जरूर देखना क्योंकि काफ़ी मस्त ब्लॉग आने वाला है भाई गाँव का, है ना। तो अभी चलते हैं, अभी सोते करते हैं, फिर सुबह मिलते हैं आपसे गाँव के साथ। चलो भाई बाय।